हेलो रीता, रीता मेरी आवाज आ रही है? तुम शायद नया ज्वाइन किए हो, करेक्ट? रीता, आर यू गेटिंग मी? हेलो रीता, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? रीता, क्लियर है मेरी आवाज? हेलो, कैन यू चैट? रीता, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो? रीता, यस सर, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो रीता? विच यूनिवर्सिटी? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? ऑल क्लियर सर, ओके। पीपीयू, ये क्या है भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी है? फुल फॉर्म क्या है इसका? गुड इवनिंग सर, ओके, गुड इवनिंग। किस सब्जेक्ट में था? ऑनर्स इन बायोटेक्निक, ओके। सोनी भी ज्वाइन कर ली है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। ओके। देखो, ये हम लोग उस दिन टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या दिया था कि व्हेन, अच्छा एक मिनट, क्या है जाते हैं? हाँ, क्या बोला था? वेन द मून इज परफेक्टली अलाइन विद द अर्थ एंड सन, द ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन टुगेदर बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल, विद द हाई टाइड्स बिकमिंग वेरी हाई एंड द लो टाइड्स बिकम वेरी लो ड्यूरिंग द ईच टाइडल साइकिल। इसका मीनिंग समझते हो? जैसे कि ये मेरा पृथ्वी है, ये अगर मैं मान के चलता हूँ गोल है मेरा पृथ्वी, ठीक है, अगर इधर मून है और इधर सन है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, तो इस ये पृथ्वी का जो वाटर है ये ऐसे स्विफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं तुमको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये अगर मैं मान के चलता हूँ पृथ्वी है, ठीक है, और इधर मून है और इधर सन है, ठीक है, सन अपनी पावर से खींचेगा तो यहाँ का जो पानी है वो ऐसा हो जाएगा और यहाँ का जो पानी है वो ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा और ये वाला पोर्शन ये भी स्ट्रेच्ड हो जाएगा, ये जो है पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोला जाता है? दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? योर स्प्रिंग टाइड, ठीक है, इसी को हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल टाइड होता है उससे काफी बड़े बड़े टाइड्स आएंगे। टाइड्स तो समझते हो ना, जो कि तुम्हारा समंदर में दिखता है टाइड, ठीक है, वेरी हाई टाइड, वेरी हाई टाइड आएगा, और लो टाइड के टाइम में भी वेरी लो टाइड दिखेगा, ठीक है, इसी को हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। लो टाइड यहां दिख रहा है और हाई टाइड यहां दिख रहा है इस जोन में, ठीक है, वही बात चल रही है। तो ये बोलता क्या है कि दीज स्प्रिंग टाइड्स ऑकर ड्यूरिंग द फुल और न्यू मून फेज। सही बात है, फुल मून में क्या होता है? फुल मून में भी जो पावर होता है किसका, तुम्हारा मून का, वो स्ट्रांग होता है, और ड्यूरिंग द न्यू मून फेज भी ये स्ट्रांग होता है। दोनों टाइम में ही क्या तुम्हारा स्ट्रांग ही स्ट्रांग होता है, फुल मून के टाइम में भी स्ट्रांग होता है और न्यू मून के टाइम में भी ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, इन दी बोथ दी केसेस क्या होता है, ये स्ट्रांग ही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अदर सिचुएशंस, अदर सिचुएशंस कब अराइव होते हैं? अदर सिचुएशंस कब अराइव होते हैं? लिखा है देखो, अदर सिचुएशन, टाइडल सिचुएशन अराइजेस ड्यूरिंग द नीप टाइड मिनिमम। अब यहां पे क्या है कि जो सन और मून है ये परपेंडिकुलरली लाई कर रहे हैं, ये तो तुमको पता ही है। ये अगर पृथ्वी है, सन यहां पे है तो मून यहां पे होगा,
ठीक है, यहाँ पे इशू है। तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है तुम्हारे, ये नीप टाइट के कंडीशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा ग्रेविटेशन पुल इसका और ग्रेविटेशन पुल इसका बैलेंस कर दे रहा है। व्हेन द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द मून एंड द सन आर अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर है, दस कैंसलिंग देयर इफेक्ट, कैंसिल भी कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो टाइड बनता है वो काफी छोटा बनता है, रिजल्ट इन ए स्मॉलर पुलिंग एक्शन ऑन द सी वाटर, क्रिएटिंग मच स्मॉलर डिफरेंसेस बिटवीन द क्या, हाई एंड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में बहुत स्मॉल डिफरेंस क्रिएट करता है, देयर बाई प्रोड्यूसिंग वेरी वीक टाइड्स, बहुत छोटे टाइड्स बनाता है, वेरी वीक टाइड्स। ठीक है, नीप टाइड ऑकर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर मून फेज, क्वार्टर मून में बनता है, क्वार्टर मतलब समझते हो ना, क्वार्टर जो होता है तुम्हारा कितने का साइकिल होता है, 28 का अगर डेज है तो क्वार्टर का साइकिल कितना होगा, 7 दिन में, 7.5 समथिंग लगा लो, अगर महीना 31 का है या 30 का है तो तुम 7.5 मान के चलो कि 7 दिन थोड़ा 13-14 घंटे का या 15 घंटे या 20 घंटे मान के चलो। ठीक है, इस तरीके का जो फेज होता है इसको क्वार्टर बोलते हैं, तो नीप टाइड क्वार्टर में बनता है। ठीक है, जब मून तुम्हारा क्वार्टर फेज में होता है, न्यू मून और फुल मून के टाइम में नहीं बनेगा, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि दीज टाइड्स आर प्रिडिक्टेबल, काफी प्रिडिक्टेबल है, रेगुलरली रिजल्टिंग इन द टू हाई टाइड्स, सच बात है, दो हाई टाइड बनाता है और इसमें दो लो टाइड भी बनता है। ठीक है, विथ ए लेवल ऑफ ओशन कंस्टेंटली मूविंग बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, जिसको हम मीन सी लेवल बोलते हैं, जो कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो लाइन है दैट इज मीन सी लेवल, देन बैक अगेन बैक टू हाई टाइड। तो ये जो टाइम टेकन फॉर टाइडल साइकिल टू हैपन इज अबाउट 12 आवर्स एंड 24 मिनट्स। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हो रहा है वो 12 घंटे और 24 मिनट के ड्यूरेशन में हो रहा है, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव हाई टाइड्स अलाउिंग, दो कंजिक्यूटिव हाई टाइड्स को अलाउ करता है। हाई टाइड और नी टाइड पे कोई कंफ्यूजन मत रखना, दिन में 2 बार हाई टाइड आता है, 2 बार लो टाइड आता है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, इसको हम डायरनल साइकिल भी बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब सूरज पृथ्वी और मून जो है एक समझ में आ जाता है, एक लाइन में आ जाता है। और तुम्हारा जो नीप टाइड कब बनता है, जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पे मौजूद होते हैं, करेक्ट। चलो फिर बात आ रहा है तुम्हारा, क्या यहाँ पे तुम्हारा लो टाइड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लो हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, 1 मिनट, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, दिस हैपेंस, इट हैपेंस। तो यहाँ पे लो टाइड जा रहा है, यहाँ पे हाई टाइड आ रहा है, 12 24, ठीक है, ये समय ऐसा बनेगा, करेक्ट। अब टाइड का जो हाइट है वो ऐसा दिखा रहा है, तो तुम देख सकते हो कि जो 12 में से 24 घंटे हैं, 6 घंटे से पहले थोड़ा, 5 घंटे के बीच में एक लो टाइड आया। ठीक है, फिर 12 से थोड़ा आगे 11 बजे एक हाई टाइड आ रहा है, करेक्ट, एक हाई टाइड बन के आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि फिर तुम्हारा 12 से 24, और ये बोल के तो अगर हम बोले 17 या 18 के बीच में, 18 के बीच में एक लो टाइड फिर आ रहा है, मतलब ये सुबह का जो अगर हम बात करें रात के 1 बजे, लाके 1 बजे क्या होगा वहां पे, हाई टाइड होगा। थोड़ा बात करते हैं 10 बजे या 9 बजे के बीच में लो टाइड आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, 12 बजे तक पहुंचने वाला होगा, 11 बजे तरफ क्या हो जाएगा, हाई टाइड, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 या 3 बजे तरफ लो टाइड, फिर अगेन शाम तक क्या होता है, हाई टाइड। तो तुम देखोगे जब तुम समंदर किनारे में जो रहता है ना, उसको 2 टाइम ना बहुत भयंकर हाई टाइड दिखता है, एक तो मॉर्निंग का 6-7 बजे 8 बजे तरफ बहुत भयंकर हाई टाइड दिखता है, और साथ ही साथ तुम्हारा कब दिखता है, शाम होते होते तुमका रात जब हो रहा होता है ना, बहुत रात होने वाली होती है तब भी दिखता है हाई टाइड, बाकी सब टाइम जो होता है लो ही टाइड होता है मोस्टली। तो ये सेमी ड्यूरेनल टाइड है, सेमी ड्यूरेनल मतलब जो रात दिन इनमें जो टाइड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेमी ड्यूरेनल टाइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, करेक्ट।
अब फिर आता है टाइडल पावर। टाइडल पावर में क्या बोलता है, द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपली जानते हो कि कितने समय में कितना वर्क क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर। फिर क्या आता है, द एनर्जी अवेलेबल इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इसमें जो एनर्जी अवेलेबल है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंड इन ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाफ ए पी जी स्क्वायर। अभी ऐसा क्यों लिया। फिर बात आता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा बनाया है, वो ऐसा क्यों बनाया, वो उसका भी कारण है। क्या कारण है देखो, हम पढ़े हैं क्या, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। करेक्ट, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना जी, ये तुम पढ़े ही हो क्या। एनर्जी जो होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। करेक्ट, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से अगर मैं निकालूं, मास इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। करेक्ट, अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट जो होता है वो वॉल्यूम होता है, इनटू रो कर दो। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। करेक्ट, इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, अब वन हाफ ए एच रो। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है तुम्हारा, वी स्क्वायर दिया है, वी स्क्वायर दिया है। करेक्ट, अब एक चीज मेरे को बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी अपॉन टी। करेक्ट, ठीक है, वी अपॉन टी होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करूँ भी की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन को जी ले दूँ, जी टी लिख दूँ, तो क्या ये बन जाएगा जी टी का स्क्वायर, क्या ये जी टी का स्क्वायर बन जाएगा। वहाँ से फिर टाइम निकालो, फिर डिवाइड करो, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला है ये टेक्निकली डिराइव करके आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने जो यहाँ पे समझाया कि जस्ट तुमको पता करने के लिए बताया, लेकिन याद तुमको डायरेक्टली इसको कर लेना है। क्या होता है, हाफ ए रो जी एच का स्क्वायर। टाइडल पावर जो निकलता है वो इसी फॉर्मूले से निकलता है, जिसमें एच तुम्हारा वर्टिकल टाइडल रेंज है, ए तुम्हारा हॉरिजेंटल एरिया बेसिन है, रो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर है, एंड जी तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। करेक्ट, ये समझ में आ गया होगा तुमको। आगे चलते हैं, अब इस चीज पे कुछ और भी क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये बोलता है कि द टाइड मूव विथ ए पावर ऑफ 31 वाट क्रॉसिंग ए ग्रेट हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गया रीटा, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में समझ गया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ या ना, देखो थोड़ा गिवेन क्या दिया है और उसमें क्या पूछा है। पहले तो पावर की वैल्यू दी है, ठीक है, अब यहाँ पे भी तुमको कुछ फॉर्मूले याद करने जरूरी है। जैसे कि पावर का वेव, वेव का जो पावर का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, रो जी स्क्वायर टी टाइम एच स्क्वायर एल अपॉन 32 जी।
और उसमें लेंथ पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वेव, मतलब तुम्हारा वेवलेंथ ही है, वेवलेंथ ही पूछ रखा है, करेक्ट? तो ये पता चला, कोई आंसर नहीं दे रहा हो या नहीं हो भाई क्लास में? हो तो सही, हो तो तुम लोग, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? दिक्कत क्या हो रही है भाई? है तो रिजवाना है, कौसर है, कृष्णा है, सोनी है, क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? देख के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? देखो वापस से, आर यू गेटिंग समथिंग और नॉट? अगर मिल रहा है तो बताओ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन दिखा क्या पूछा है? ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसे फॉर्मूला याद करना जरूरी है। गिवन दिया है पावर जो है 31 वाट का है, हाइट तुम्हारा 10 मीटर का है, वेव पीरियड जो है 1 सेकंड का है। तो वेव का जो पावर फॉर्मूला है वो किससे दिया जाता है? P इक्वल टू रो जी स्क्वायर टी एच स्क्वायर एल अपॉन 32 जी, ठीक है? और यहाँ पे दिया है एल इक्वल टू 32 पाई इंटू रो जी स्क्वायर टी एच, ठीक है? फिर आता है तुम्हारा एल इक्वल टू 32 इंटू पाई इंटू 31 वाट अपॉन में, ये आ गया फॉर्मूला, तुमने डाल दिया है। तो तुमको सिंपली याद रखना है क्या, रो जी स्क्वायर टी एच का स्क्वायर एल अपॉन 32 जी, 32 पाई जी नहीं, ठीक है? 32 पाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि रो की वैल्यू है, जी स्क्वायर है, टी एच का स्क्वायर है, एल है, 32 पाई है। तो इस पे बस वैल्यू पुट करना है, एल की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सब तो दे ही रखा है। 32 पाई तो तुमको पता है उसकी वैल्यू, 31 वाट भी तुमको पता है, 1.025 जो होता है वो तुम्हारा ओशेनिक वाटर मतलब सॉल्टी वाटर का डेंसिटी होता है। 1025 ना, ये फ्रेश वाटर की डेंसिटी नहीं है, ये तुम्हारी डेंसिटी किसकी है? सॉल्ट वाटर की है, जो कि जिसमें तुम्हारा टाइड लगता है, ठीक है? उसके बाद जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड देन हाइट इक्वल टू 10 मीटर, करेक्ट? तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी। चलो अब फिर बात आता है, देखो एक क्वेश्चन देता है कि एक रॉक फॉल कर रहा है ऊपर से, यहाँ क्या दिया है? एक रॉक फॉल ऑन द वाटर, द वेव्स कम्स आउट ऑफ मेकिंग द हाइट ऑफ 2 मीटर, हैविंग ए लेंथ ऑफ 0.2 इन 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स वेव पावर। वेव पावर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है? वेव पावर के बारे में क्या बोल रहा है? गिवन हाइट h इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ इक्वल टू 0.2 मीटर, वेव पीरियड इक्वल टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो यहां तुमको एक चीज, मिली सेकेंड एक्चुअली, मीटर पर सेकेंड नहीं, दैट इज मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, ms लिखा है, टाइम कभी मीटर सेकेंड में नहीं होता, यूनिट है ही नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है भाई, गड़बड़ी मत कर देना यहाँ पे, कंफ्यूजन मार दोगे, बोलोगे कि नहीं सर ये तो दिया है,
सर एमएस दिया है, मीटर सेकेंड, टाइम पीरियड कभी भी मीटर सेकेंड नहीं होता है, पीरियड है, इसका मीनिंग है कि ये एमएस लिखा है तो मिली सेकेंड है, दिस इज मिली सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज मिली सेकेंड, ठीक है, ये मिली सेकेंड है। हाइट दिया 2 मीटर, एल दिया 0.2 मीटर, फॉर्मूले में डाले, वैल्यू निकाले, निकला 78 मिली वाट, जो कि तुम्हारा वेव का पावर है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुमको याद करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट यू शुड नो, अदरवाइज एग्जाम्स खराब जाएंगे अगर इस फॉर्मूले को तुम पे काम नहीं करोगे। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, लेट अस सर्च। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चलता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर एमएचडी है, जिसमें मैग्नेट का बड़ा रोल होगा। तो एमएचडी करता क्या है, एमएचडी इज ए मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक कन्वर्टर। इसका काम क्या है कि थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर कर देना। थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, एन एमएचडी जनरेटर लाइक ए कन्वेंशनल जनरेटर रिलाइज ऑन मूविंग ए कंडक्टर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये करता है काम, ठीक है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में ये काम करता है। ओके, जो कि तुम पहले भी जानते हो, मैंने बताया था ना कि दो मैग्नेट हैं ऐसे, ठीक है, अब इनमें क्या कर रहे हो तुम, एक वायर को कनेक्ट करके इसको क्या कर रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, इस एक्सिस में रोटेट करवा रहे हो। अगर ऐसे करवाओगे तो होगा क्या, इस वायर में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, जो कि तुम्हारा हमेशा होता ही है एसी जनरेटर में, उसी चीज को यहाँ पे वापस से बताया जा रहा है, इसमें कुछ नया कहानी नहीं है, ठीक है। तो एमएसडी जनरेटर यूजेस हॉट कंडक्टिव आयोनाइज्ड गैस, इसमें गैस यूज होता है, हॉट कंडक्टिव आयोनाइज्ड गैस, जो कि एक प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है, टू मूव द कंडक्टर। फिर क्या आता है, द मैकेनिकल डायनामो इन द कॉन्ट्रास्ट यूजेस द मोशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइस टू अकम्पलिश दिस, ये अकम्पलिश करने के लिए तुम्हारा डायनामो वगैरह यूज होता है, ठीक है। सो एमएचडी जनरेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल जनरेटर। देखो बहुत बड़ी बात बोली, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल जनरेटर में तो यही है, एसी जनरेटर में यही काम हो रहा है कि कॉयल मूव कर रहा है, ठीक है, जबकि एमएचडी जो है वो तुम्हारा ट्रेडिशनल जनरेटर से अलग है, इन दैट दे ऑपरेट विदाउट मूविंग पार्ट्स, इनमें कोई पार्ट्स को मूव करने की जरूरत नहीं है, नो टर्बाइन, कोई टर्बाइन नहीं चाहिए टू लिमिट द अपर टेम्परेचर, दे देयरफॉर हैव द हाईएस्ट नोन थियोरेटिकल थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेशन मेथड, ठीक है। एमएचडी हैज बीन एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन टॉपिंग साइकिल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन, स्पेशली व्हेन बर्निंग कोल एंड नेचुरल गैस जरूरत नहीं है, ठीक है। द हॉट एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम ए एमएचडी जनरेटर कैन हीट द बॉयलर ऑफ द स्टीम पावर प्लांट एंड इंक्रीजिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी यही चीज चाहिए, करेक्ट। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स का तुम्हारा संपूर्ण कहानी जो था ये तुमको समझ में आ रहा होगा कैसे काम करता है, तुम यहाँ देख सकते हो। अब तुम यहाँ पे एकदम ऑब्जर्व करो कि एमएसडी कैसे काम करता है, ठीक है, ए टू जेड उसको देख लो। पहली बात, तुम्हारे पास एक ईंधन होना चाहिए, ठीक है, उस ईंधन को तुमने क्या किया, कंबस्टन चैम्बर में लेके आयोनाइज्ड गैस में कन्वर्ट किया। फिर क्या किया, एक नोजल छोड़ रखा है, वो नोजल क्या एमएसडी जनरेटर में जाता है, ठीक है, एमएसडी जनरेटर में जाके क्या यहाँ पे प्लस और माइनस साइन होते हैं, ठीक है, वो एक एग्जॉस्ट में छोड़ देता है, ठीक है, एक तो डीसी पावर को दे रहा है, एक तो एग्जॉस्ट में छोड़ दे रहा है। एग्जॉस्ट में एक हीट एक्सचेंजर है, वो क्या कर रहा है, तुम्हारा कंप्रेसर को डाल रहा है, कंप्रेसर अगेन क्या कर रहा है, इस एयर को यहाँ पहुंचा रहा है, एक एग्जॉस्ट भी है, एक हीट एक्सचेंजर भी है। तो ऐसे दो मशीन लगा दो, हीट एक्सचेंजर और ये एमएसडी, बाकी सब तो ऑटोमेटिक ये साइकिल ही घूमेगा जैसे साइकिल, ठीक है। तो ये साइकिल है, एमएसडी का साइकिल है, एमएसडी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस वगैरह जो भी बोलो, ठीक है, जिससे कि एनर्जी तुम्हारा पैदा हो रहा है, क्लियर है, ये तुम्हारा एमएसडी का रोल है, ऑल अबाउट एमएसडी। अब आता है दूसरी कहानी, फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, जो फिशन होता है एंड जो फ्यूजन होता है उसमें डिफरेंसेस क्या है। फिशन
इसमें तो जान ही रहे हो, लार्ज एटम दो और मोर मॉलिक्यूल में बन जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करोगे दो और मोर एटम को इनटू लार्ज वन। ये भी सिंपल है, रिएक्शंस दे रखा है, देख लो फ्यूजन का क्या दे रखा है। फ्यूजन में हीलियम लिथियम के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बनाता है, बोरोन बना देता है। जबकि फिशन में बात करें तो यूरेनियम जो है उसमें से अगर एक न्यूट्रॉन निकाल के बाहर कर दो, ठीक है, तो उसमें से एक बैरियम बन जाएगा और दूसरा क्रिप्टन बन जाएगा और तीन न्यूट्रॉन अलग से बन जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें स्प्लिटिंग हो रहा है, एक से स्प्लिट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, दो जुड़ रहा है। तो ये तुमको डिफरेंसेस बचपन से ही पता है, बट वापस मैं इसको समझा रहा था। ठीक है, अब तो बात करते हैं, तो अब तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो होता है पुराना हो चुका है। इज एन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवेन कोलाबरेटिव पर प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ द सोलर टेक्नोलॉजी, ये बहुत पहले का है। ठीक है, इट्स बेसिक मोटिव इज टू फैसिलिटेट द एनर्जी एक्सेस, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड ड्राइव द एनर्जी ट्रांजिशंस इनटू द मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, मेंबरशिप कंट्री में बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है, द ISA वाज कंसीव्ड एज ए जॉइंट एफर्ट बाय द इंडियन एंड फ्रांस टू मोबिलाइज द एफर्ट्स अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी। तो इसका काम ही वही है कि जॉइंट एफर्ट्स से जो सोलर एनर्जी का जो टारगेट ले रखा है इंडिया अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, उसको वो भरपूर रूप से पूरा करे। जैसे कि इंडिया और फ्रांस ने इस पे कोलैबोरेशन दिया था, किसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। ठीक है, इसका क्या टारगेट था, इंडिया ने क्या प्लेड किया था, कि इंडिया जो है वो प्ले करता है 175 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 जो होंगे वो सोलर एनर्जी होंगे बाई 2022। कुछ तो फुलफिल नहीं होते, खाली बोलने की बात है, एंड बट स्टिल हमारा इंडिया जो है बहुत हद तक सोलर एनर्जी से इक्विप्ड हो चुका है। रिडक्शन इन दी MSC इंटेंसिटी बाई 33 to 35% बाई 2030 टू लेट दी सोलर एनर्जी रीच टू दी मोस्ट ऑफ दी अनकनेक्टेड विलेजेस एंड कम्युनिटीज एंड ऑल्सो टुवर्ड्स क्रिएटिंग क्लीन प्लैनेट। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, करेक्ट है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिजवाना एंड कृष्णा दो ही लोग बचे हो, क्लास में दो ही लोग बचे हो, क्या नींद आ रही है क्या सबको, सब भाग जा रहे हैं क्या कृष्णा, आर यू गेटिंग स्लीपी, यू आर स्टिल अवेक, बताओ। थोड़ा वेट करो, ये खत्म हो ही रहा है, इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, इतने पे ही स्थगित करेंगे। ये वाला कर देके ना टॉपिक, सर मुझे फीवर है, ठीक है, तो ये क्लास करके मैं अभी स्किप कर दूंगा, इस क्लास के बाद और नहीं करूंगा। ठीक है, ये अभी इस यूनिट को कंप्लीट होने में अब बस दो खत्म ही है, लगभग खत्म ही हो गया है, तो यूनिट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे, अगली यूनिट जो है अगले क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैं तुम्हारा एक छूट जा रहा हूँ ना, कुछ कुछ टॉपिक जितना हो सके कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कंप्लीट करना ही है। ठीक है, हमारा इस महीने में टारगेट है कि ये जो टॉपिक है सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं, अब हम कल से डेडिकेटेडली पूरा पॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। पॉल्यूशन यूनिट को तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि उससे भर के क्वेश्चन आता है, और तुमने अगर वो क्वेश्चन नहीं बनाए तो तुमको डिफिकल्टी फेस करना होगा। ठीक है, करेक्ट, तो मैं तुमको अगली जो क्लास है उसमें तुम्हारा डिटेल में हम पॉल्यूशन यूनिट पे चर्चा करेंगे, विल हैव ए चर्चा ऑन पॉल्यूशन यूनिट। ठीक है, आज मैं यहीं पे इस क्लास को समाप्त करता हूँ, और तुम्हारा इसी के साथ यूनिट 5 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनको कवर करने से तुम्हारा मार्क्स फेच होता, वो मैंने आज कवर कर दिया। ठीक है, अब फिर कोई पूछेगा कि सर इसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी है, देखो न्यूक्लियर फिजन के होती है, लेकिन मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स जो है वो क्लीन एनर्जी है। ठीक है, तो उसकी जो जरूरत है वो ज्यादा है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स बनाने की जरूरत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरा। ठीक है, मैं ये शॉर्ट क्लास इसलिए आज लिया ताकि जो कोर्स है थोड़ा बहुत चलता रहे, क्योंकि छुट्टियां बहुत हो जा रही हैं ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट करो, क्लासेस तो खत्म करने ही है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है कृष्णा, लेट्स मीट इन द न्यू क्लास। ओके, चलें, डन, ओके भाई, ओके।